नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 28 जुलाई 2020। 28 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि हम सर आधे घंटे में पूरा वर्ल्ड घूमकर बेहतरीन तरीके से आते हैं ना सर। तो भैया एक बार दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना, और भैया जो भी हमारे प्यारे साथी नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं ना, तो भैया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आते रहें। तो शुरू करते हैं सर धमाकेदार तरीके से आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, आवाज भैया आ सकती है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास भैया लाइट की, इस वजह से फिर भी इस परिवार ने तो भैया हार नहीं मानी है, अवसर को समस्या में बदलने का, भैया समस्या को अवसर में बदलने का काम किया है। फिर भी हम सेशन आपके पास लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि गांव में है, लॉकडाउन है, तो लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं भैया, आप भी सब गाँव से बिलोंग करते हैं, हमारे तो गाँव में बहुत ज़्यादा है ना। हाल ही में किस राज्य अवलिक केंद्र सरकार ने COVID-19 से मरने वाले परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? बहुत ही सवाल प्यारा है भैया, वित्तीय सहायता देने की बात की है पुडुचेरी ने। हम पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। पुडुचेरी सरकार ने कहा है कि COVID-19 से जो भी हमारे परिजन मरेंगे ना, उन्हें हम भैया सहायता भी देंगे, उनके परिवार को सहायता देंगे। अरे सर पुडुचेरी सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी यार। पुडुचेरी तो हमने इतने बार पढ़ा है ना जनाब, ऐसा लगता है ना कि ये बिल्कुल पड़ोस का कस्बा है ना सर। एक बार हम आइए सर चर्चा कर लेते हैं ना पुडुचेरी के बारे में। ये है प्यारा सा अपना इंडिया, बिल्कुल है सर। हम जानते हैं बेहतरीन तरीके से, इस वाले घाट को हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इस वाले घाट को सर पूर्वी घाट कहते हैं ना सर, बिल्कुल कहते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है। ये जो हमने JNP रिपोर्ट पढ़ा ना मुंबई वाला, बिल्कुल सर, इस वाले घाट को, इस वाले तट को हम क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के गोवा तक को, और गोवा से लेकर के ये भैया केरल वाले यहाँ तक को, जिस जगह मैंने पेन चलाया है ना, इस वाले कर्नाटक वाले तट को क्या कहते हैं, केरल वाले तट को क्या कहते हैं, तमिलनाडु वाले तट को भैया क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश वाले तट को क्या कहते हैं जनाब, ओडिशा वाले तट को भैया क्या कहते हैं। अरे सर यह पूर्वी घाट है ना, हमने की बिल्कुल है यार, और ये पश्चिमी घाट है। ये दोनों घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी कहलाती है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भैया अपनी दोदा बेटा कहलाती है। और पूछा जाता है ना जनाब कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की भैया सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी चोटी है। भैया बात तो हम पुडुचेरी की कर रहे हैं, हमने की तो हम अपने प्यारे साथियों को एक्स्ट्रा जानकारी देंगे ना, हमने प्रॉमिस आपसे किया है सर। ये है भैया, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसके चार जिला है सर, और चार भी जिला किसी भी जिला से सीमा नहीं मिलाते हैं। आवाज गूंज सकती है, क्योंकि सर हम दूसरी जगह पर आपका सेशन ले रहे हैं ना, वहां पर भैया दिक्कत हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। यनम है भैया, पुडुचेरी में कौन सा है, पुडुचेरी का जिला एक यनम है, कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दूसरा जिला भैया ध्यान से समझना है, ये पुडुचेरी के नाम से है, वो तमिलनाडु में स्थित है। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको पेन चेंज करके दिखा देता हूं, ध्यान से, ये कराईकल है, ये कराईकल कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। दो जिला पुडुचेरी के, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। और चौथा जिला भैया पुडुचेरी का प्यारा सा ये माहे कहां पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है सर, ये जो हमने तट पूछे हैं ना आपको, छह तट, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सर। मुझे आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से बताएंगे और दम लगा करके सेशन को भैया शेयर भी करेंगे। जौन सा भी आप ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, टैली हो, कुछ भी चलाते हैं ना सर,
एक बार मेरे कहने से भैया ये परिवार है ना, इस परिवार ने तो कसम खा रखी है कितनी भी समस्याएं आए ना सर, ये बिल्कुल अपनी मंजिल को पाकर ही रहेगा, समस्याओं को अवसर में बदलेगा, और हम सब तो भैया बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं ना। चलो सर बढ़ते हैं आगे। हाल ही में साइबेरिया के जंगल की आग भैया बहुत ज्यादा चर्चा में है ना, बिल्कुल साइबेरिया लग रहा है कि ऐसा है कि जल रहा है। साइबेरिया किस देश का हिस्सा है? अरे सर साइबेरिया की बात कर रहे हैं, सवाल बना साइबेरिया में आग लग गई, हमने की क्यों नहीं लग सकती? अरे सर क्या पगला गए हो क्या, साइबेरिया में ठंड पड़ती है इतनी, हमने की यार गजब बात कर दी। हम बताते हैं किस वजह से लगी है ना, आपका जो जून और मई का महीना होता है ना जनाब, यहाँ पर बहुत सारा उच्चतम टेम्परेचर देखा जाता है, 48-49 पहुंच जाता है हाई लेवल पर। साइबेरिया में इस साल भैया पहले उच्चतम टेम्परेचर देखा गया वो 28 डिग्री देखा गया था, इस साल भैया साइबेरिया में हाई टेम्परेचर 38 डिग्री देखा गया है, यह भी एक कारनामा है सर। और साइबेरिया में बताते हैं जैसे आपकी बिजली गिरती है ना, किसी गिरने के कारण किसी भी कारण से आग लग चुकी है, बताते हैं जितना अपना राजस्थान का हिस्सा है उतना तो यहाँ साइबेरिया के जंगल जल चुके हैं ना जनाब। मैंने कहा ग्रीस है ना सर, ग्रीस की जितना ग्रीस का हिस्सा आपने ग्रीस पढ़ा है, ग्रीस कितना हिस्सा, तो साइबेरिया के जंगल में आग लग गई है ना सर। हमने की अच्छा ये कहानी है, बिल्कुल है सर, हम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि साइबेरिया कहाँ पर है। अरे सर रसिया वाले हैं, अरे रसिया सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी भैया, ये गजब के इंसान है कौन, व्लादिमीर पुतिन, हमें तो ये नहीं पता है कि कल मिलेगा कि नहीं मिला। और सर ये व्लादिमीर पुतिन ने तो 36 का आंकड़ा चला करके 2036 तक अपना भैया एजेंडा सेट कर लिया है, कितने गजब के इंसान है, 2036 तक पता है कि हम रहेंगे, देख रहे हैं ना आप, रसिया है। आइए हम चर्चा कर लेते हैं रसिया की, इस परिवार में बहुत सारे लोग भैया रोजाना नहीं जुड़ते हैं ना, उनको बताने का काम भी तो हमारा है ना। बिल्कुल है सर, ये प्यारा सा इंडिया है, अरे सर बिल्कुल है, इंडिया से थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएंगे ना जनाब, नेपाल दद्दा मिल जाएंगे, अरे नेपाल अपना भैया, अरे नेपाल से थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएंगे तो चाइना मिल जाएगा, जिससे हम कंपटीशन करते हैं, चाइना से और ऊपर चलेंगे, देखना आपको पूरा विश्व घुमा करके लाएंगे अभी आधे घंटे में। मंगोलिया उलान बटोर वाला मिल जाएगा, मंगोलिया से जनाब थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएंगे ना सर, रसिया मिल जाएगा, यही तो व्लादिमीर पुतिन है सर, यहीं पर तो साइबेरिया पाया जाता है, हम और बताएंगे बहुत सारी जानकारी आपको। इधर थोड़ा लेफ्ट में चलेंगे, पाकिस्तान अपना बच्चा मिल जाएगा, पाकिस्तान से भैया इधर जाएंगे तो अफगानिस्तान मिल जाएगा, अफगानिस्तान से भैया तजाकिस्तान। द्वारा सुने सर, ये जो सेंट्रल एशिया वाले देश है ना, ये बहुत सारा कंफ्यूज करते हैं, आपको एज इट इज माइंड में ये मैप छाप लेना चाहिए सर, क्योंकि आप मैपिंग पर बहुत सारा वर्क करेंगे ना सर, तो आपके में मुझे आशा यह भी है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद ये मैप बिल्कुल सपने में आएगा सर आपके। तजाकिस्तान है, थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे ना ये किर्गिस्तान मिल जाता है, ऊपर कजाकिस्तान जिसकी राजधानी बदलकर नूर सुल्तान कर दी गई है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वही तुर्कमेनिस्तान है जो दुनिया की सबसे बड़ी झील से सीमा साझा, वो दुनिया की सबसे बड़ी झील से भैया सीमा लगाता है। इधर जाएंगे ना ये वही तो ईरान है जो चाइना ने रुपए दे दिए ना 400 मिलियन, तो भैया फूल करके बहुत अच्छा हो गया है ऐसा लगता है ना, ये बिल्कुल हमें आराम से, इनको पता नहीं है, इनसे कह दो जाकर के चाइना ट्रैप्ड ट्रैप्ड पॉलिसी में फंसा करके आपको भी खरीद लेगा सर, सीख लीजिए लंका से, लंका में हम्मन टोटा बनाया था, कहा था कि हम बनाएंगे और ये भी कहा था हम पैसा भी देंगे सर, अच्छा सा काम करेंगे, बाद में कोरोना भेज दिया, कोरोना भेजने के बाद अब पटाइए कैसे पटाएंगे हमारा पैसा, और पूरा हड़प लिया। ये थी कहानी सर, अरे वही तो ईरान है जहां से आप मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से भैया अरब सागर में थोड़ा जाएंगे ना, बिल्कुल पीछे हटेंगे, और पीछे जाने पर मेरे प्यारे मित्रों आपको यहां पर ग्वादर पोर्ट मिल जाएगा, वो सॉरी चाबहार पोर्ट मिल जाएगा, ग्वादर यहां पर है पाकिस्तान में, जो सीपैक निकला है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
यहाँ से भैया आराम से जाहिदेन रेल लिंक परियोजना से गारलैंड हाईवे होते हुए सेंट्रल एशिया से हम ट्रेड कर लेते हैं जनाब। ये थी कहानी भैया, बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ी है, ठीक है। ये हमने भैया गल्फ कंट्री के देश पहले पढ़े थे। मुझे आशा है कि ये मैपिंग का काम मेरे प्यारे साथियों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा। बड़े सर आगे, ये है साइबेरियन, बढ़ते हैं सर आगे। ये जंगल में लगी आग मैंने आपको भी दिखा दी है भैया। प्यारा सा क्वेश्चन एक और है, भारत किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? अरे सर, सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा, हमने कि हाँ लंका में करेगा। अरे वही तो लंका है जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, भगवान राम ने रावण को मारा था लंका वालों का। अच्छा सर, बिल्कुल बात गजब बताई आपने। हमने कहा लंका में एक और काम किया है, वो भी हम बता देते हैं आपको। क्या काम किया है सर? मुद्रा स्वैप का काम किया है, करेंसी स्वैप का काम किया है। सवाल बना सर, हमारे बहुत प्यारे साथी पूछेंगे सर करेंसी स्वैप क्या होता है। हम बताएं आपको करेंसी स्वैप क्या होता है, दुनिया में बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरी वर्ल्ड में बात करें सर, तो जो लेन देन का काम होता है ना एक दूसरे से दूसरे देश में, वो सब सारा डॉलर में होता है। जिस भी देश से हम करेंसी स्वैप चलाएंगे ना जनाब, बिल्कुल चलाएंगे। करेंसी स्वैप में होता क्या है कि जिस देश से हम करेंसी स्वैप करते हैं उस देश में अपने यहाँ की मुद्रा से हम भैया कोई भी काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लंका में करेंसी स्वैप किया है लंका से, लंका में भैया इंडिया का पैसा से कोई भी काम कर सकते हैं, और लंका वाले इंडिया में आकर के अपने लंका के रुपी से भैया कोई भी काम कर सकते हैं। ये तो करेंसी स्वैप है, कितना तो सिंपल भाषा में हमने समझाया। आइए सर हम चर्चा कर लेते हैं लंका की, सौर ऊर्जा पार्क कैसे स्थापित किया है। जरा देखिए मैप पर लंका कहां पर है। अरे वो ही तो लंका है जहां भगवान राम ने अपने रावण को मारा था, लंका वालों से कह देते ना हम, अरे आपके रावण को हमने मारा। और बताओ, आप तो भैया जाकर के ड्रेप्ट ट्रप्ट पॉलिसी में फंसते हैं ना, चाइना की रणनीति में खेलिए, फिर बचाने के लिए हमसे आते हो। अरे थोड़ा बचा लो ना यार, बचा लो कहते हैं ना, फिर हम बचाने के लिए छोड़ देते हैं भैया कि अपना ही लंका है, चलो बचा ही लेते हैं। रावण को मारा है तो कुछ ऐसा भी काम कर देते हैं, बचाने वाला काम भी कर देते हैं ना जनाब, बिल्कुल कर देते हैं सर। यहाँ लंका के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा तो भैया हमें ऐसा लग रहा है ना, हमने कितनी बार सुना है, हमने यार गजब बात कर दी। चाइना ने तो यहाँ पर अपने इंडिया को मोतियों की माला पहना रखी थी, और हमने तो बदले में भैया ने डायमंड की माला पहना रखी थी जनाब। अरे सर डायमंड की हमने भैया, ये हमें क्या घेरेगा, ये इंडियन ओशियन में घेरेगा ना, हम इसे पूरे चक्कर से घुमा लेंगे। ये इंडिया ऐसा दम है हमारे भारत में जो कि हम चाइना को टक्कर देते हैं। हम बनटोटा में आए थे क्या कहने आए थे सर? अरे हम आपके यहाँ थोड़ा भैया रोजगार देंगे, और चाइना की पॉलिसी को ये समझते तो है नहीं है। चाइना ने भैया इतना पैसा दिया, अरे बड़ा खुश हो रहे पैसे लेकर के, लंका वाले खुश हो रहे थे ना, खुशी मना रहे, बहुत सारा पैसा आ रहा है। चाइना की रणनीति थी सर ऋण वाली पॉलिसी में फंसा करके 99 साल के लिए इन्होंने ले लिया है क्या, हम बनटोटा को ले लिया है जनाब। अब आए थे इंडिया के पास कि बचा लो थोड़ा, इंडिया ने रैम कर दिया सर, चलो बचा लेते हैं, अपने यहाँ कुछ बनवाओ हमें, वहां से हम निगरानी रखेंगे, वहां से हम काउंट करेंगे चाइना को। सौर ऊर्जा भैया इनडायरेक्टली कहूँ ना तो इसी को काउंट करने के लिए बना रहे हैं हम, सौर ऊर्जा बनाएंगे सर। आपको पता है 2015 में फ्रांस के पेरिस में हमने एक सबमिट की थी सर, क्या की थी, आईएसए बनाने की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की बात की थी, कि हम पूरा काम भैया रिन्यूएबल एनर्जी के तहत करेंगे, पूरा काम सोलर सिस्टम से लाइट बनाने का काम करेंगे ना सर, उसी पर भैया बहुत सारा काम चल रहा है आपको। अच्छा ये थी कहानी हमने की, हाँ यार ये कहानी थी, उसका मुख्यालय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अपने हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है सर। बढ़े आगे, बिल्कुल ये लंका है, लंका की बात आइए थोड़ा और बता देते हैं। यहाँ पर सर पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप है जनाब, हमने कहा लंका जाएंगे ना आप कभी घूमने, पंबन द्वीप जाएंगे। पंबन द्वीप से रामेश्वरम आराम से भैया पहुंच जाएंगे, रामेश्वरम से थोड़ा ऑटो पकड़ना, धनुषकोटी पहुंच जाना। अरे सर गजब बात कर दी, हमने कहा धनुषकोटी से भैया एक पुल मिलता है, उसका नाम है राम सेतु का पुल,
उसका दूसरा नाम भी है आदम का पुल। जनाब उस पुल से क्रॉस होकर के आराम से लंका घूम कर आना। ये देखिए हमने आपको लंका भी घुमाई, एशिया भी घुमाया, तो एक बार तो बनता है ना सेशन को शेयर करना बड़े सर आगे। बिल्कुल, ये छतरी सी आपने देखी है भैया, इसकी बताने की बात क्या है ना, हाल ही में रसिया ने अपनी नौसेना के लिए किस परमाणु हथियार को विकसित किया है। भैया दुनिया तो लगी है मंगल मिशन पर जाने के लिए और रसिया तो कुछ अलग ही दिमाग खपा रहा है। अरे सर क्या हुआ, हमने कि यार गजब काम कर दिया। आपको पता है ना व्लादिमीर पुतिन तो अच्छे माइंड वाले इंसान है ना सर। हमने कहा भैया ये कह देते हैं कि आप तो जमीन से अंतरिक्ष में सैटेलाइट गिराएंगे ना। आपको अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, हमने एक तहलका मचा दिया है, हम सैटेलाइट से ही बम फोड़ देंगे। आइए सर, और अमेरिका तो इनके परमाणु हथियार से इतना खफा है ना सर, इतना खफा है। आप बता दें अभी तक की सबसे धांसु मिसाइल बना दी है इन्होंने। अरे सर इतनी धांसु मिसाइल, हमने की हाँ सर बताइए नाम थोड़ा। हमने की आपके माइंड में भी कीड़ा काट रहा होगा कि ऐसी कौन सी धांसु मिसाइल बना दी। अरे सर पढ़ा नहीं है आपने, हाइपरसोनिक जिरकॉन बना दिया है इन्होंने, इतनी धांसु बना दी है सर, इसके आगे तो कोई रुक भी नहीं सकता है। हम बताएं आपको चर्चा। अरे सर बिल्कुल, हम भैया खोजते खोजते पहुंचे ब्रिटेन। ब्रिटेन हमें एक भैया मिला पेपर, कौन सा न्यूज पेपर है, द सन। ये ब्रिटेन का भैया न्यूज पेपर है। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना मैं कितनी नॉलेज आपके लिए लाता हूं, तो भैया बनता है ना थोड़ा। द सन में लिखा है डोम्सडे वेपन रसिया कंप्लीट टेस्ट ऑफ भैया अनस्टॉपेबल 4600 mph। mph क्या होता है, माइल पर हावर्स स्पीड। और सर गजब बात कर दी 4600। हमने की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबल ऑफ बीटिंग यूएस डिफेंस। अरे सर गजब काम कर दिया, हमने कहा भैया इतना हैवी मिसाइल बना दिया ना इन्होंने, जनाब तहलका ही मचा दिया है सर। हमने भी आपके पास भैया ले करके आ गए। क्या होती है हाइपरसोनिक की कहानी एक बार फिर बता दें आपको। जब भैया मैक संख्या निकालते हैं ना, ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड होती है किसी भी, जैसे ये वाला एरोप्लेन ले लीजिए आप, इसकी स्पीड ओ भैया बट्टे में आ जाती है स्पीड ऑफ साउंड, तो निकल के आती है मैक नंबर। जब मैक नंबर एक से छोटा होगा ना सर, उसे हम सबसोनिक कहते हैं। अरे गजब बात कर दी, हमने कहा जब मैक नंबर एक के बराबर होगा उसे हम ट्रांससोनिक कहते हैं। जब मैक नंबर भैया एक से बड़ा हो जाएगा ना सर, और पांच से छोटा होगा, उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। हमारे बहुत सारे पुराने साथी है ना, इन्हें तो इतना रट गया है ना सर, ये इतना रट गया है कि ये ड्रीम में भी सोचते हैं कि हम मैक नंबर बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे सर मैक संख्या जब पांच से ज्यादा हो जाती है उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। अरे गजब बात कर दी हमने, हमने आप बताए ना सर आपको बेहतरीन तरीके से। ये थी कहानी रसिया की। रसिया ने एक जिक्रॉन नाम से माय भैया हाइपरसोनिक बना दिया है, तहलका मचा दिया है दुनिया में, भैया दुनिया परेशान है इनसे बड़े सर आगे। नई एफडीआई नीति के कारण कौन सा देश 200 से अधिक प्रस्ताव सुरक्षा मंजूरी की भारत से प्रतीक्षा कर रहा है। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान और ये जिन लोगों की वजह से हमने भैया पहले मंजूरी ले लीजिए हमसे, तब हम आपकी कंपनियों को आने देंगे। भैया चाइना है ना 200 से ज्यादा इन्वेस्ट लेकर के खड़ा है, मोटा भाई का इंतजार कर रहा है कि मोटा भाई कब हमें मंजूरी दे, तब हम आराम से आपके पास आए। मोटा भाई को तो आप जानते हैं ना सर, बिल्कुल जानते हैं हमारे प्यारे साथी। मोटा भाई परमिशन देंगे मेरे प्यारे साथी हो, जब मोटा भाई परमिशन देंगे ना तब ये 200 कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने आएंगी। सवाल बना सर कैसे इन्वेस्ट करेगी, हमने यार गजब बात कर दी, आपने तो हद कर दी भाई। हमने तो सुनाया है आपको भैया, आज हम माफी चाह लेते हैं आपसे भैया, आपके पास बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, आवाज भी आ सकती है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है भैया इस परिवार के पास समस्याएं बहुत सारी हैं, बट ये भैया हम मान नहीं सकते हैं, हमने तो ठान ही लिया है दिक्कतें हैं मेंटेन कर लेंगे थोड़ा बहुत, क्या दिक्कत है एक दिन की। ठीक है सर, 200 से अधिक प्रस्ताव, हमने की हाँ एफडीआई क्या होता है सवाल बना, हमने यार गजब बात कर दी। हम सिंपल भाषा में समझाते हैं एफडीआई क्या होता है। अरे भैया हमारा टिंचू है ना, टिंचू की चल रही है कंपनी, हमने टिंचू से कहा यार टिंचू सुनो ना यार पैसा दे देते हैं आपको यार,
थोड़ा बहुत यार हमें आपको शामिल कर लो अपनी कंपनी में। भैया ध्यान से समझना, दोबारा सुने सर, टिंचू की है कंपनी और हमने भैया इन्वेस्ट करने की बात कर दी, हमने एक पैसा तो टिंचू को उधार में दे दिया ना सर, हमने बिल्कुल दे दिया, वो हम पैसा उससे लेंगे सर, उसे हम FII कहते हैं। और दूसरा हमने टिंचू से कहा कि टिंचू भैया सुनो ना यार, अपनी कंपनी में हिस्सा दे दो ना थोड़ा यार, हम भी हिस्सेदारी कर लें। अरे सर टिंचू ने कहा दे दीजिए हमें पैसा, हम आपको 10% का हिस्सेदार बना दे रहे हैं कंपनी में सर, उसे हम FDI कहते हैं। जिस भी भैया पैसे से किसी भी कंपनी का मालिकाना हक खरीदा जाता है ना जनाब, उसे हम FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट भैया इन्वेस्ट कहते हैं। और जिस भी पैसे से उसके भैया आराम से शेयर परचेज किए जाते हैं, उसे हम FII कहते हैं। तो भैया चाइना ने 200 कंपनी, हमें पता होना चाहिए हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं ना जनाब, तो 200 कंपनी की परमिशन मोटा भाई से लेनी पड़ेगी ना, ये चाइना भैया इंतजार कर रहा है। डी ऑप्शन, चाइना को हम बताएंगे नहीं, चाइना ने तो दुनिया में इतनी शांति कर दी है कोरोना भेज करके सर, हम इसकी चर्चा बहुत सारे कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है सर। डी ऑप्शन करेक्ट सही है। बड़े सर आगे, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं ये केरल में किया गया है। अच्छा सर केरल में किया गया है, हमने की यार गजब बात कर दी, केरल में भैया एजीमाला स्थान है, एजीमाला पर किया गया है। अरे सर क्या नाम है, हमने कहा भैया नाम भी लिख लें आप, केल्ट्रॉन नाम है, KELTRON नाम है भैया, पेन आपको पता है जैसा चलता है वैसा हम आपके लिए काम कर देते हैं ना, केरल में है। अरे सर गजब बात कर दी, हमने केरल सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने कि भैया इतने बार तो पढ़ा है हमने केरल के बारे में, अब क्या हम बताएंगे, केरल को जानते हैं, केरल के तट को हम मालाबार का तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को हम भैया कोरोमंडल का तट कहते हैं, ठीक है सर। बढ़ते हैं आगे, किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है, भैया खेलो इंडिया तो सौंपा गया है हरियाणा को, पंचकूला में मनाया जाएगा, ये उनका चौथा संस्करण है, पहला कहाँ मनाया गया, पहला दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी असम में मनाया गया, ये चौथा संस्करण है हरियाणा में, इसके बाद ओलंपिक होगा टोक्यो भैया, कहाँ होगा, अरे गजब बात कर दी यार, टोक्यो में ही तो होगा सर, ध्यान रखना है टोक्यो ओलंपिक होगा 2021 पर नाम 2020 का ही होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से भैया आगे बढ़ा दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। हरियाणा है सर, गजब बात कर दी, हरियाणा हमने पहले बहुत अच्छे चर्चा की है सर, आपको बता दें हम कहाँ से न्यूज लेकर के आए, देखिए सर कितने हम न्यूज पेपर से खंगाल खंगाल करके आपके लिए न्यूज पेपर लाते हैं। हरियाणा विल होस्ट द 4th edition है, ये चौथा एडिशन है भैया, कहाँ मनाया जाएगा, पंचकूला में मनाया जाएगा। खेल मंत्री कौन है सर, किरण रिजिजू खेल मंत्री है अपने। बड़े सर आगे, बिल्कुल हाल ही में अल दाफरा एयरवेज खबरों में था, ये किस देश में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर, आपको पता होना चाहिए, सोमवार को फ्रांस से हमारा राफेल ने उड़ान भरी है इंडिया के लिए। अरे सर राफेल, हमने की हाँ 5 राफेल आ रहे हैं जो 2016 में हमने डील की थी, 5 इंडिया में आ रहे हैं, हमने की बिल्कुल भैया। अल दाफरा संयुक्त अरब अमीरात में भैया एक एयरवेस है, यहाँ पर इनमें ऑयल ऑयल भरा जाएगा तब आगे बढ़ेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे ना यार, ये भी तो रेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं सर। अल दाफरा एयरवेस खबरों में है, बहुत चर्चा में है सर, आपको पता होना चाहिए, संयुक्त अरब अमीरात में है मेरे प्यारे साथियों, हम बताते हैं आपको संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पर स्थित है, आइए सर अभी दिखाएंगे। ये भैया देखो कहाँ से न्यूज लेकर के आए, आपको लगता है ना, तो हमने आज दिखा दिया है कि हम कहाँ कहाँ से न्यूज को क्रैक करते हैं आपके लिए सर, ये यहाँ से राफेल ने उड़ान भरी है, हम वीडियो भी आपको दिखा देते जनाब, बट क्या है कि हमारी इतनी प्रेजेंटेशन हाई हो जाती है ना कि हमारा लैपटॉप पूरा सिस्टम हैंग कर जाता है, इस वजह से थोड़ा मेंटेन कर लें भैया, आगे हम चर्चा कर लेंगे। हम बताएं सर आपको यूएई कहाँ पर है, अरे सर गजब बात कर दी ना, मैं क्या कर दिया सर, ये तो हमने भैया इतने बार पढ़ाया ना जनाब, हमें लगता है कि JNPT पोर्ट है ना अपना मुंबई, अरे सर गजब बात कर दी, सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने कि वहीं पर तो आप बना रहे हैं बदावन पोर्ट, वहां से जैसे ही अरब सागर में जाएंगे ना सर,
अरब सागर में थोड़ा पीछे और बढ़ेंगे ना, वैसे ही हमें ओमान दिख जाएगा। अरे प्यारा सा तो ओमान है, ओमान से थोड़ा और पीछे चल जाएंगे ना, गल्फ ऑफ ओमान मिल जाएगा। अरे गजब काम कर दिया हमने का भैया, आज का भैया आपसे हमने माफी किसकी मांगी है, आवाज की मांगी है। गल्फ ऑफ ओमान से थोड़ा और पीछे जाएंगे ना, ये आराम से यूएई मिल जाएगा। यहीं पर भैया ऑल दाफरा एयरवेज है। अरे सर गजब बात कर दी भैया, हम माफी पहले से ही बहुत मांग लेते हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारी आवाज आ सकती है, थोड़ा मेंटेन कर लें आज के लिए। फिर आगे और पीछे चलेंगे भैया, ये गल्फ कंट्री मिल जाएंगे। सवाल बना सर गल्फ कंट्री में कितने देश है, हमने की यार गजब बात कर दी आठ है, इन्होंने जीसीसी बनाई है ना, इन जीसीसी में सर 6 कंट्री आते हैं, हमने बताया है ये यूएई है, तो हम जल्दी काम कर देते हैं आज सर। ये अल दाफरा है, यहाँ पर अपने राफेल भैया आराम से रुकेंगे, यहाँ से उड़ान भरेंगे हरियाणा में भैया, आ जाएंगे अम्बाला, आ जाएंगे अम्बाला सर बिल्कुल। बड़े सर आगे, हाल ही में मशहूर नृत्यांगन एवं कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया है। वह किस देश से बिलोंग करती हैं, बांग्लादेश से करती हैं, बहुत ही नृत्यांगन भैया मशहूर, हार्ड वर्किंग काम किया था इन्होंने तब ये फेमस हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी सपने ऐसे पूरे नहीं होते हैं शिक्षा के, एजुकेशन के सिस्टम में, कौन सा भी सिस्टम हो सर आपका, कौन सा भी फील्ड हो, आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, अपना पसीना खुद बहाना पड़ेगा किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। दुनिया है ये कुछ भी कह सकती है सर, आपको आगे बढ़ना है अपने माइंड में लक्ष्य को रख करके। अमला शंकर का निधन हुआ है, बांग्लादेश से है भैया, हम दिखा देते हैं कहाँ से लेकर के आए भैया, द इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के आए। अमला शंकर का निधन हो गया है मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बताएं ना, ये है अमला शंकर, देख लीजिए फोटो थोड़ा भैया। बांग्लादेश की चर्चा हम बता देते हैं, सबसे ज्यादा सीमा भारत की किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, तो सवाल बना सर सबसे कम किससे लगती है, हमने कहा अफगानिस्तान से लगती है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो त्रिपुरा हमारा है जो बांग्लादेश के तीन तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ आसुगंज अखौड़ा से हमने आराम से रेल लिंक परियोजना बनाई थी। आसुगंज अखौड़ा बहुत सारा चर्चा में है, तो आपको पूछा जा सकता है कि आसुगंज अखौड़ा कहाँ पर है, हम जल्दी काम कर देते हैं आपके लिए, ठीक है सर। ये बांग्लादेश था। बड़े सर आगे, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड 19 सेवाओं के लिए सिंगापुर, अरे सर सिंगापुर सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने जब बात कर दी यार हद है भाई, सिंगापुर कितने बार तो पढ़ा है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कला नारायण स्वामी को किया गया है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, किन्होंने किया है, कला नारायण स्वामी ने किया है, कोविड 19 में सेवा बहुत सारी दी है सर, आपको 90% लोग ऐसे मिल जाएंगे अपने लिए जीते हैं, 10% लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको जो दुनिया के लिए जीते हैं सर, वही तो नाम करते हैं सर, वही तो इतिहास में उनके ही तो हम पेज पढ़ते हैं ना जनाब। आप बताइए सर, महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, क्या इन्होंने अपने लिए जीना सीखा, इन्होंने दुनिया के लिए जीना सीखा माइंड में सर, तभी तो हम इनके इतिहास पढ़ते हैं। हमारा आपका इतिहास क्या है सर, अपना मजा आ जाए बस काम खत्म। ये कला नारायण स्वामी है सर, सिंगापुर है ना जनाब, सिंगापुर आइए सर हम घुमा देते हैं सिंगापुर को। अरे सर ये कला नारायण स्वामी है, फोटो देख लीजिए, सिंगापुर की चर्चा है सर, ऐसा हो नहीं सकता है कि सुशील स्टडी परिवार सिंगापुर को नहीं समझे सर। अरे इंडिया से थोड़ा और पीछे इधर जाएंगे ना राइट में, बिल्कुल जाएंगे सर, बांग्लादेश का मिल जाएगा, बांग्लादेश से भैया ये म्यांमार वाले मिल जाएंगे जिनका पुराना नाम बर्मा था जनाब, यहाँ से थोड़ा और भी आगे जाएंगे सर, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कोरोना की वजह से बीच में दबा हुआ कंबोडिया है ना जनाब, थोड़ा थाईलैंड के और पीछे आएंगे, यहाँ मलेशिया है, अरे मलेशिया के नीचे छुट्टा सा लगा हुआ सिंगापुर है, यहाँ से भैया हम ऑयल लेकर के आते ना इंडियन ओशियन से, इसका तो रट्टा ही है सबसे बड़ा, यहाँ से भैया स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए साउथ चाइना सी में एंट्री कर जाते हैं जनाब, यही तो साउथ चाइना सी है, हमने कहा यही फिलीपींस है जो एडीबी वाला है, बता देते हैं आपको, ये थी कहानी सर बिल्कुल। जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें मेरे प्यारे साथियों, 1 जुलाई को स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य का अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है जो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। भैया बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है जनाब, आधा घंटा लगातार बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है मेरे प्यारे साथियों, आपको दम लगा करके भैया प्लीज सेशन को शेयर कर देना। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं,
14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व का दिवस मनाते हैं। सर जुलाई का तीसरा शुक्रवार को मनाते हैं, इस बार 17 जुलाई को पड़ा है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, हमने बहुत सारी चर्चा की थी सर। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले से ही फिर एक बार कर लेता हूँ कि आज के लिए थोड़ा आपके पास दिक्कत हो सकती है सुनने में, आवाज़ आ सकती है, मेंटेन करना है, ये परिवार ने तो मेंटेन करना सीखा है पहले से ही भैया। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में भैया। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सेशन कैसा लगा भैया, एक बार दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना। क्वेश्चन पूछा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना भैया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर। हमारा ये टेलीग्राम है सुशील स्टडी, यहाँ पर आप जाएंगे सारी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगी। मिले सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए सर। औरों का दिल जीतना इस परिवार ने ठाना है सर, जीतते रहिए, मेहनत बरकरार करनी है सर। जय हिंद, जय भारत।